जी दोस्तों, अभी भी एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल बिहार के सुपौल में पिपरा रोड स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के पास शनिवार की दोपहर एक टेम्पो और एक बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई है। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है, वही बाइक पर दूसरा सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए है। आपको बता दें कि मरने वाला युवक पिपरा थाना क्षेत्र के लिटियाही निवासी विमल शर्मा का बेटा प्रदीप शर्मा था, जबकि घायल युवक उक्त गाँव निवासी दिलीप शर्मा का बेटा राजकिशोर था। सदर अस्पताल में घायल युवक के परिजनों ने बताया कि 1 मई को राजकिशोर की बहन की शादी होने वाली है, उसी के लिए राजकिशोर और प्रदीप बाइक से कार देने सुपौल आ रहे थे। जब दोनों जवाहर नवोदय विद्यालय के पास पहुंचे तो उसकी बाइक में सुपौल की ओर से जा रही एक मालवाहक टेम्पो ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में प्रदीप की मौके पर ही घटना स्थल पर मौत हो गई, वहीं राजकिशोर गंभीर रूप से घायल हो गए है। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। वहीं सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन उसे सदर अस्पताल से इलाज के लिए दूसरी जगह ले गयी। वहीं स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना सदर थाना सुपौल को दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। इसके बाद अस्पताल पहुंचकर घायल का हाल जाना, फिर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपते हुए आगे कार्यवाही में जुट गए हैं।